खबर गोरखपुर से है, जहां पर गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग और पुलिस अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाकर शराब महुआ, लहन और भट्टियों को नष्ट किया गया। गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के निर्देश पर और आबकारी विभाग के निरीक्षण सेक्टर 02 राकेश कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाकर अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया। भारी मात्रा में जिसमें 50 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1.5 क्विंटल महुआ, 10 भर्तियों को नष्ट किया गया। वहीं अभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी के अंतर्गत आज थाना चिलुआताल के अंतर्गत सीधा गांव के आसपास दबिश की गई। यहां पे करीब 100 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है और करीब 15,000 किलोग्राम के आसपास लहन है और 7-8 बच्चियाँ पूरी गई हैं। उसकी पूर्व यहाँ पर दबिश की गई थी 5 नवंबर को, तो उसमें भी इसी के आसपास रिकवरी हुई थी। आबकारी विभाग द्वारा जो है निरंतर दबिश की कार्रवाई की जा रही है।